नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा और हमारी खास पेशकश चुनावी चौपाल में आप आज सुनेंगे कि छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की ओर से अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर देने के बाद टिकट वितरण के पहले दोनों दलों की ओर से युवाओं पर दाव लगाने की बात कही गई थी और माना यह भी जा रहा था कि 15 साल की सत्ता गंवाने के बाद पार्टी युवाओं पर दाव लगाएगी और कांग्रेस भी अपने युवा विधायकों को राजनीति में युवाओं को मौका देगी। लेकिन बात जब टिकट बांटने की आई तो दोनों ही पार्टियां फिसड्डी साबित हो गई। मसलन कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने 25 से 30 साल तक एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। वहीं कांग्रेस ने 90 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर इस आयु वर्ग के प्रत्याशी उतारे हैं। इसी तरह से कांग्रेस ने 31 से 40 आयु वर्ग के सिर्फ 11 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। वहीं बीजेपी ने 7 लोगों को मौका दिया है। इसी तरह से 41 से 50 साल के 22 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे तो बीजेपी ने 33 लोगों को मौका दिया है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष पैनल भी जुड़ गया है लाइव। उन्हीं से चर्चा कर जानेंगे कि आखिर ये युवाओं पर भरोसा करना या 30 से कम आयु वर्ष के प्रत्याशी को मैदान में उतारना न उतारना कितना समीकरण को बिगाड़ सकता है या कितना प्रभाव डाल सकता है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषज्ञ बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। दूसरी तरफ हमारे साथ संवाददाता दिलीप साहू भी जुड़े हुए हैं, हेमंत शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जमीनी हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं को मौका देना कितना दोनों ही पार्टियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे बाबूलाल जी आपकी तरफ। बाबूलाल जी, युवाओं के सामने युवा उतारे गए हैं अभी तक जो प्रत्याशियों की लिस्टों को अगर हम विश्लेषण करें तो जहां जहां युवाओं को मौका बीजेपी ने दिया है वहीं ज्यादातर कांग्रेस ने भी युवाओं को मौका दिया है, लेकिन 30 वर्ष से ज्यादा की आयु पर ही भरोसा दोनों ही पार्टियों ने जताया है। इस पूरे समीकरण को समझे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आप एक दृष्टि डालते हैं तो निश्चित रूप से जो है ये दिखाई देगा आपको कि युवाओं पर दोनों ने भरोसा जताया है। मैक्सिमम युवाओं को मौका देने का प्रयास दोनों ही दलों ने किया है। 44 नए चेहरे जो उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत अधिकांश युवा चेहरे हैं और इन्होंने भी जो है टोटल जो सीट दी है उसमें लगभग युवाओं का चेहरा ज्यादा है। 30 साल के ऊपर के लोगों को भी हम युवा ही मानते हैं। इस दृष्टिकोण से जो है दोनों दल जो है अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही उन्होंने विचार किया है कि युवाओं का जमाना है, युवाओं को मौका दो, तो इन्होंने दोनों को मौका दिया, दोनों ने मौका दिया है। देखिए, स्थिति ये है कि इस वक्त 50% से ज्यादा युवाओं का समावेश है वोटरों में, मतदान में जो है मतदाता के रूप में 50% से ज्यादा जो है युवा है। इस आधार पर जो है दोनों दलों ने इस बात को ध्यान में रखा है और दोनों को इस तरीके से दिया है टिकट कि लोगों को लगे कि चेहरे सब नए हैं, चेहरे युवा हैं और फ्रेश महसूस करें, जनता नया निर्णय ले और पुराने लोगों के पुराने चेहरे जो है उनके साथ में युवाओं को भी महत्व दें, नए चेहरे सामने आए। तीसरी के थर्ड लाइन के जो लोग हैं ऊपर उठ करके पहली लाइन में आए, इस बात का ध्यान दोनों पार्टियों ने इस बात रखा है और निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल जो है इस चुनाव में बना है जी। और क्योंकि स्वराज एक्सप्रेस अलग अलग जिस वर्ग को ज्यादा तरजीह दी गई है या हमने जाति समीकरण को भी इसके पहले और जो डिबेट रही है उनमें समझने की कोशिश की है, युवाओं पर खासा फोकस आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हर तबके से जुड़ी जब समस्याओं को लेकर के हम बात करते हैं और बात जब युवाओं पर भरोसा जताने की है तो कौन कौन से इससे जुड़े मुद्दे हैं जो इस बार के 23 के चुनाव में हावी हो सकते हैं, जिन्हें टारगेट करने की जो कोशिश है वो युवाओं से ही हो सकती है, तो कैसे देखेंगे इसे? देखिए, युवाओं के विषय में सबसे बड़ी सब बात तो बेरोजगारी की आती है। युवा है, पढ़ लिया है, पढ़ लिख करके तैयार हो गया है, रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है। दूसरी समस्या जो है उसके परिवार में जो महंगाई की मार पड़ रही है
उसमें वो क्या योगदान करे इसकी कोशिश करता है। तो वर्तमान सरकार जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार है वो 4,000 रुपए जो है उनको देने का प्रयास कर रही है और लगभग देने का शुरुआत कर चुकी है, तो उससे उसको थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, थोड़ा बहुत सहयोग वो अपने परिवार को कर सकेगा। महंगाई सबसे बड़ी समस्या इस दौर में है। आप देखिएगा कि महंगाई के कारण जो है लोग बड़े त्रस्त हैं, तो इस स्थिति में जो है आप युवाओं को रिझाने की कोशिश चाहे दोनों पार्टियों ने की है। कांग्रेस ने तो खुलेआम इस बात को कह दिया है कि केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा जो है शासकीय स्कूलों में और कॉलेजों में रहेगी। ये बहुत बड़ी राहत युवाओं के लिए आकर्षित करने के लिए है। और लगभग जितनी भी योजनाएं इस वर्तमान सरकार की है वो सभी की सभी जो है कहीं ना कहीं युवाओं को रिझाने की उसके अंदर में बिंदु मिलते हैं। कोई भी योजना ले लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं अगर किसान के लिए योजना है तो किसान में भी युवाओं का एक बड़ा वर्ग है। अगर वो धान खरीदी पे है या गरीबों को आवास पे है तो एक बड़ा युवाओं का वर्ग उसके अंदर में है। जातिगत जनगणना का लाभ भी जो है जातिगत पर मिलेगा, युवाओं को मिलेगा जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं और आ गए हैं मतदाता की सूची में, उनको लाभ मिलेगा। इस तरह जो है सारा दृष्टिकोण, सारा केंद्र बिंदु जो है, अगर जातिगत रूप से ओबीसी और एससी और एसटी के ऊपर में है तो निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर भी ज्यादा फोकस है, क्योंकि युवाओं की संख्या इस वक्त इस मतदान के इसमें बहुत ज्यादा है। दिलीप से भी एक रिपोर्ट जान लेते हैं। दिलीप, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ने अपने प्रत्याशियों को बड़े सोच समझकर युवाओं के सामने युवा चेहरे उतारे हैं, तो ये समीकरण क्या कहता है? जी बिल्कुल बुसरा, जिस तरह से बात हो रही थी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बात की जाए तो उसमें ये बात कही गई थी कि चुनाव में करीब 50% जो 50 साल से कम उम्र के लोगों को मौका दिया जाएगा, मतलब विधानसभा लोकसभा दोनों के लिए ये बातें कही जा रही थी। लेकिन जैसे आंकड़ों का विश्लेषण करें, हालांकि बाबूलाल शर्मा जी ने जो बात कही उनका मैं समर्थन करूंगा, लगभग युवाओं को ज्यादा से ज्यादा दोनों पार्टियों ने मौका दिए हैं। लेकिन जो रेशियो देखेंगे, आंकड़े जो बातें कही जा रही थी, तो अभी 50 साल के उम्र से कम वालों की बात करें तो लगभग 90 में से 33 युवाओं को ही कांग्रेस ने मौका दिया है। जो रेशियो 50% होना था वो लगभग 30% ही है, 28-30% के आसपास ही है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, थोड़ी भागीदारी और बढ़नी थी। और वहीं 50% से अधिक की बात करें तो इनका जो परसेंटेज रेशियो है वो ज्यादा है, करीब 60-65% लोगों को मौका दिए हैं। तो ये बातें लगातार कही जा रही थी, या राजनीति में युवाओं को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। इसी तरह बीजेपी का भी विश्लेषण करें तो 50 से कम उम्र वालों की तादाद करीब 42 है, तो ये भी लगभग आधे से कम है, इनका भी संख्या थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। उसी तरह दोनों पार्टियों ने, हालांकि जो नए चेहरे जिस तरह से दांव खेले हैं, तो जितने नए चेहरे आए हैं उसमें दोनों पार्टियों की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया गया है इस बार। हालांकि ये प्रयास किया गया है दोनों पार्टियों की ओर से, ये युवाओं के साथ ही अनुभवी जो लोग हैं उनका भी फायदा मिले, क्योंकि चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों की एक अपनी पहल है युवाओं के साथ जो अनुभवी नेता है, जिनके लंबे अनुभव है, उनका भी लाभ मिले। इस तरह से एक एक, एक खास करके भाजपा की बात करें तो भाजपा में ये बातें कही जा रही थी कि जब ओम माथुर को प्रदेश प्रभारी बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किए गए, बहुत सारे बदलाव हुए लगातार, नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया गया, तो ऐसा लग रहा था कि जब टिकट का वितरण होगा तो बहुत सारे जो पुराने चेहरे उनको बदल दिए जाएंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। जब लिस्ट आई तो हमने देखे कि वही पुराने चेहरे, बहुत सारे जो पुराने चेहरे थे, बीजेपी ने फिर से उन पुराने चेहरों को मौका दिया। हालांकि उसमें युवाओं का समन्वय किया, जो बहुत सारे नए चेहरों पे दांव खेले उसमें मौका दिया गया है, लेकिन फिर भी ज्यादातर वही पुराने चेहरे हैं जो लगातार राज्य बनने के बाद से लगातार जो विधानसभा चुनाव में लड़ते आ रहे हैं। तो ये देखने को मिला, एक परिवर्तन की ज्यादा उम्मीद की जा रही थी, उतनी उम्मीद खरे नहीं उतरे इसके टिकट वितरण की जो प्रक्रिया हम देखे हैं। तो इसी तरह कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी लगातार पिछले चुनाव में काफी युवाओं को मौका मिला था, और जो
मैंडेट आई थी जिसमें इसमें युवाओं की भी बड़ी भूमिका रही थी, बड़े बड़े दिग्गजों को युवा विधायक जो कांग्रेस के जो युवा प्रत्याशी थे जीत के आए थे 2018 के चुनाव की बात करें तो। लेकिन इस बार उनमें से बहुत सारे युवा चेहरे थे, जैसे 22 टिकट इन्होंने काटे हैं कांग्रेस ने 22 विधायकों का, उनमें ज्यादातर युवा चेहरे ही शामिल है। करीब 15 ऐसे टिकट काटे गए जो पहली बार चुन के आए थे या नए युवा विधायक थे, ऐसे चेहरों को काटा गया है। तो कुल मिलाकर युवाओं पर पिछले बार जितना फोकस किया गया था उसकी तुलना में इस बार कम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रयास किया गया है कि युवा के एक रिपोर्ट उनसे भी ले लेते हैं। हिमंत, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? जिस तरीके से दिलीप ने बिल्कुल सही बात कही कि नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, युवाओं के सामने युवा उतारने के चक्कर में समीकरण क्या बदल पाएगा, इसका प्रभाव कितना बढ़ पाएगा? क्योंकि जाहिर है युवाओं को मौका देने के चक्कर में जो पुराने विश्वसनीय चेहरे जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते थे, क्योंकि बीजेपी ने भी कुछ ऐसा ही किया है, लगभग 41 से 50 साल की उम्र में 33 लोगों को इस बार बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है, तो कितना प्रभाव पड़ पाएगा? देखिए बुसरा, प्रत्याशियों के चयन के पहले कई सारी बातें दोनों पार्टियों की ओर से कही जा रही थी, खासतौर पर कांग्रेस। जिस तरीके से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें ये तय किया गया था कि 50 साल से कम उम्र के जो युवा हैं उनको मौका दिया जाएगा, 50% हिस्सेदारी की बात कही गई थी। लेकिन जो लिस्ट कांग्रेस की आई उसमें ये नियम एक तरीके से लागू होता दिखाई नहीं दिया। 30% के आसपास युवाओं को टिकट कांग्रेस ने दिया है, और जिस तरीके से दिलीप भी जिक्र कर रहे थे कि ज़्यादातर युवा विधायकों के टिकट काटे गए हैं कांग्रेस में, और वो सबके सामने भी है कि किस तरीके से, हालांकि कांग्रेस परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट बांटी है, लेकिन फिर भी युवाओं को मौका देने के मामले में दोनों अगर आकलन देखा जाए और आंकड़े अगर देखा जाए तो यही है कि दोनों जो पार्टियां हैं वो काफ़ी पीछे रही। 25 से 30 साल के जो प्रत्याशी हैं वो तो बीजेपी की तरफ से एक भी मैदान में नहीं है, और इसी तरीके का रेशियो कांग्रेस की ओर से भी है। हालांकि वर्तमान रायपुर के अगर समीकरण में देखूं तो आप यहां पर जो मुकाबला हो रहा है रायपुर पश्चिम में, आप देखिए वहां पर विकास उपाध्याय एक युवा चेहरा है कांग्रेस के लिए ओर से, उसी तरीके से रायपुर ग्रामीण में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं पंकज शर्मा वो भी युवा हैं। तो कोशिश कांग्रेस की ओर से जरूर हुई है कि युवाओं को मौका दिया जाए, लेकिन जो रेशियो की बात कही जा रही थी पहले 50% हिस्सेदारी की वो यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और उसी तरीके से बीजेपी के में भी अगर आंकड़ों में एक बार नज़र डालें 90 प्रत्याशियों की सूची, ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो 40 साल से ऊपर के हैं, यानी जो बात की गई थी युवाओं को मौका देने वाली बात वो इस फिलहाल प्रत्याशियों के चयन में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। ठीक है, बाबूलाल जी के पास वापस आएंगे। बाबूलाल जी, बिल्कुल वाजिब बात यहाँ पर हेमंत ने उठाई है कि युवाओं को दाव लगाने की जो लोक लुभावनी बातें कांग्रेस ने पहले से कह दी थी, दोनों ही पार्टियों का अगर देखा जाए आकलन युवाओं को मौका देने को लेकर, तो 90 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर ही 25 से 30 आयु वर्ग के कम से कम कांग्रेस ने तो 2 फिर भी मैदान में उतार दिए, लेकिन बीजेपी इसमें फिसड्डी साबित हुई है। लेकिन इससे इतर हटके अगर ये चीज समझ ली जाए, राज्य चुनाव को निकालने के लिए स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, क्या ये मुद्दे हावी हो पाएंगे या जनता किस हिसाब से चीजों का आकलन करेगी और मतदान करेगी? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे आंकलन और पार्टी के नेताओं के आंकलन में युवाओं का महत्व तो क्या होता है, युवा किसको कहते हैं। हम और आप जब युवा कहेंगे तो 25 से 30 साल या 24 साल के लोगों को हम युवा कहते हैं, लेकिन पार्टियों का जो दलगत राजनीति है, दलगत राजनीति के अंदर में 50 साल तक की उम्र के लोगों को युवा माना जाता है। मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूं कि कई 45-50 साल के लोगों को आज भी युवा माना जाता है। तो उस आधार पर आप देखेंगे तो युवाओं का बाहुल्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप 25 से 30 वर्ष की आयु को युवा मानते हैं तो फिर उसमें 2 ही सीट मिलती है कांग्रेस की, भाजपा के पास नहीं मिलती है। और 30 से 50 साल के जो अपने 30 से 40 साल के युवा देखेंगे तो वो उसको भी युवा, 40 साल के लोगों को भी युवा माना जाता है, 50 साल के लोगों को भी युवा माना जाता है। उस आधार पर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको लगेगा कि मैक्सिमम लोगों को दोनों दलों ने जो है युवाओं को दिया है, 50 साल तक के लोगों को युवा माना जाता है पार्टियों के दलों के अंदर में। तो उस आधार पर देखिए, और असर का जहां तक प्रश्न है, देखिए अब आने वाला वक्त जो है युवाओं का है,
यही युवा जो है अब ये परिपक्व स्थिति में जाएंगे। आज जो लोग लड़ रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ करके जो है परिपक्व स्थिति में राजनीति इन्हीं के हाथ आनी है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा मौका है, मौका था, इस मौके को दोनों दलों ने नहीं चूका, कोशिश की युवाओं को मौका दिया जाए और ऐसे लोगों को जिनको हम अपने सामने काम करते हुए देखते थे, दरी उठाते हुए देखते थे, उनको थर्ड लाइन से उठा करके फर्स्ट लाइन लाने का प्रयास जो है दलों ने करने का प्रयास किया है। चाहे वो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, लेकिन वो तीसरी लाइन में काम करते थे, उन लोगों को मौका कांग्रेस ने ज्यादा दिया है। और 44 नए चेहरे जो लाए हैं वो चेहरे नए जरूर हैं, लेकिन उम्र का हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस ने जो है इसमें बाजी मारी दिखती है। और स्थिति जो दिख रही है वो यही है कि भविष्य युवाओं का है। आपको हर मौके पर, हर चुनाव में युवाओं को मौका देना पड़ेगा। और बताओ, मीडिया एनालिसिस अगर हम इस पर बात करें, बहुत अच्छा जिक्र यहाँ पर हेमंत ने एक और छेड़ा था कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही दोनों ही पार्टियों ने ये तय किया है कि कौन मैदान में उतरेगा, बजाय इस सोच के रखने से कि युवाओं को बहुत ज्यादा मौका दिया जाए। क्योंकि उम्मीद जिस हिसाब से की जा रही थी कि बहुत सारे युवाओं को मौका दिया जाएगा, उतना परसेंटेज यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इस हिसाब से अगर रिपोर्ट समझी जाए तो क्या कहेंगे आप जी? अगर हेमंत जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, बजाय इस सोच के रखने के कि युवाओं को ज्यादा मौका दिया, जबकि उम्मीद इससे ज्यादा की जा रही थी, तो इसे आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, आजकल चुनाव प्रबंधन से जीते जाते हैं, वो प्रदर्शन पर नहीं। प्रदर्शन में बहुत कम प्रतिशत होते हैं जिनके प्रदर्शन को अच्छा पसंद किया जाता है। अक्सर जो है फंड के अभाव में, बहुत सारी चीजों के अभाव में, बहुत सारी चीजें विधायक नहीं कर पाते हैं और उसका नाराजी उसकी जो है लोगों के मन में रहती है कि हमारा ये काम नहीं हुआ का। और अंतहीन सिलसिला है, देखिए, काम कराने का और योजनाएं बनाने का और वहां पर लागू करने का जो है अंतहीन सिलसिला है। तो किसी का दिल पूरा नहीं होता, कभी भी कोई चीज पूरी नहीं हो पाती है। एक काम खत्म होता है, दूसरा काम खड़ा हो जाता है, उसे वो तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो युवा, मैंने पहले एक बात कह दी थी कि युवा किसको कहती है पार्टियां, 50 साल की उम्र तक के युवा है लगभग सब लोग काम करने वाले हैं। पुराने लोगों को भी लिया जाता है तो पुराने लोग अनुभवी होते हैं, वो अनुभवियों से जो है ये नए युवा सीखते हैं। उस आधार पर जो मैंने बात कही थी कि युवाओं का जो मौका मिला है, ये युवा सीखेंगे, ये युवा आगे आएंगे, कल को बागडोर जो है इन्हीं के हाथ में आनी है, समाज की बागडोर इन्हीं के हाथ में पहुंचनी है, शासन की बागडोर इन्हीं के हाथ में पहुंचनी है। उस दृष्टिकोण से जो है ये टिकटे बटी है, ये बहुत सही है और इसका असर समाज के अंदर भी अच्छा दिखाई देगा। दिलीप, क्योंकि समय की कमी है, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, जिन जिन जिलों में युवाओं के सामने युवाओं को उतारा गया है, क्योंकि जिला स्तर पर भी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, तो युवाओं पर इतना भरोसा कहाँ कहाँ, कौन कौन से जिले में ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है जो प्रमुख पार्टियों ने मैदान में उतारा अपने अपने प्रत्याशियों को? जी दिलीप, जी मेरे से सवाल था जी, उसरा जी, जी हेलो जी दिलीप जी, हाँ दूसरा जी, बात करें कि प्रमुख प्रमुख सीटों की बात, जिन सीटों पर खास करके युवा चेहरा मैदान में है, दोनों पार्टी से जो प्रमुख सीट है उसमें 10-12 सीटें ऐसी है जिसमें दोनों पार्टियों ने युवा चेहरा, बात करें तो कांग्रेस से जहां राजकुमारी मरावी 42 साल की उम्र की है महज, उसी तरह उनके जो सामने लड़ रही है वो शकुंतला पोरते, वो भी 44 साल की उम्र, हम उम्र के बराबर है। यशोदा वर्मा के बनिस्पत विक्रांत सिंह है बीजेपी से। इसी तरह जो 12 विधानसभा सीट में धमतरी, चंद्रपुर, सारंगढ़, अकलतरा, पंडरिया, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकूट और बेमेतरा, ये 12 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें दोनों पार्टियों ने युवा चेहरा को मैदान में उतारा है, जो खासकर दोनों जो दोनों ओर के जो प्रत्याशी उम्र वाले हैं। बेमेतरा की बात करें तो आशीष छाबड़ा पिछली बार भी के वर्तमान 42 साल उम्र के हैं, उनके बनिस्पत ने दीपेश साहू को खड़ा किया है, वो युवा चेहरा है, पहली बार चुनाव मैदान में है, 35 साल उम्र है उनका। इसी तरह चित्रकूट की बात, मैं
वो चला है दिलीप, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हेमंत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और बाबूलाल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बहुत सारे विषय और भी थे, समय की कमी के चलते निष्कर्ष यही है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की ओर से अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद टिकट वितरण में खास तौर से यह ख्याल रखा गया कि युवाओं को मौका देंगे तो शायद जनता का खिंचाव उनकी पार्टी की तरफ से ज्यादा होगा। बहरहाल ये आने वाला वक्त तय करेगा कि इसका प्रभाव वाकई में चुनावी माहौल में पड़ता है या फिर नहीं। हमारी खास पेशकश में नहीं, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।